आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रोहतास में जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष। सहरसा में 3 दिवसीय राजकीय मटेश्वर धाम महोत्सव संपन्न, पत्रकार सम्मान समारोह का भी हुआ आयोजन। नालंदा में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, राजद नेता ने लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में जगसंघ पर बनाया गया महिला हेल्प डेस्क, महिलाओं की सुनी जाएगी समस्या। बेतिया में कम होगा प्रदूषण का खतरा, बायो फ्यूल्स पेट्रोलियम पंप की हुई शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक की जो स्थिति है उसमें विपक्ष अलग अलग प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार पूरे देश में घूम रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा। अभी तक जो स्थिति है मुझको लगता है कि विपक्ष जिस रूप में है, अलग अलग प्रधानमंत्री के दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है आज विपक्ष की, तो अब इन लोगों का कहां कोई तारतम्य में बैठ रहा है। और तारतम्य में नहीं बैठ रहा है तो उस परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने कोई चुनौती फिलहाल 2024 तक तो मुझको व्यक्तिगत रूप से नहीं दिख रही। नालंदा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की, ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। वहीं राजद नेता का आरोप है कि उत्पाद विभाग की टीम में शामिल एएसआई और इंस्पेक्टर के द्वारा छापेमारी के नाम पर होटल के अंदर राजद नेता के पुत्र के साथ मारपीट की गई। इसके साथ ही कहा कि शराब बेचने का आरोप लगाकर प्रताड़ित भी किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी राजद नेता के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। बना शराब की बिक्री और यहाँ पर बैठाने का, बैठ कर के पिलाने का व्यवस्था की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर के गुप्त सूचना के आधार पर पूरी टीम का रेकी किया गया, टीम के द्वारा रेकी गया। तत्पश्चात 12 तारीख को छापामारी की गई। छापामारी के मुहान मोड़ बिजुअन पर पार्वती एंड फैमिली रेस्टोरेंट में की गई। वहाँ से एक आदमी अरेस्ट भी हुआ है और जो शिकायत करता है उसका कहना है कि हमारे होटल में पहुंच। रोहतास में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में भगवान सिंह कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा अपने बलबूते राजनीति करना और चुनाव जीतना उनकी बस की नहीं है। भगवान सिंह कुशवाहा ने यह भी नसीहत दे दी कि जो उनकी नई पार्टी बनी है वह काफी दिन नहीं चलेगी। कृपा से जीते हैं, एक किसी दूसरे की कृपा से नहीं जीते हैं, किसी नया गठबंधन की कृपा से नहीं जीते हैं। इसीलिए हम तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को धन्यवाद देते हुए बताएंगे कि भाई आप जो जहां गए हैं, जो पार्टी बनाए हैं, इस पार्टी के क्या अर्धवाय होगा कहना बड़ा मुश्किल होगा। कितना दिन तक की पार्टी चलेगी कहना बड़ा मुश्किल होगा। या ये पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, बीजेपी के साथ अब गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर एनडीए के महागठबंधन के साथ रहिएगा कि नहीं। तो दो धारा है, दो धारा में चयन कर लीजिए कि आप कौन धारा में रहिएगा। भगवान कुशवाहा ने जमकर उपेंद्र कुशवाहा पे बरसा और उन्होंने नसीहत दे दी कि उपेंद्र कुशवाहा जो नई पार्टी बनाए हैं वो काफ़ी दिन नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने कार्यकर्ता को भविष्य खराब कर रहे हैं। प्राइम टीवी के साथ मंजीत सिंह।
सहरसा में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बाबा मटेश्वर धाम मंदिर में राजकीय महोत्सव का आज तीसरा दिन है। इस महोत्सव में कलाकारों ने एक से एक बढ़कर अपनी प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आपको बता दें कि टैगोर पब्लिक स्कूल और ग्रीन प्लानेट पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपनी कला से लोगों का खूब मन मोह लिया। इस मौके पर प्रशासन के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह भी रखा गया, जिसमें पत्रकार को भी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। खबर नालंदा से है, जहां पुलिस दिवस के मौके पर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में बिहार थाना से सोमवार को जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली को नालंदा एसपी अशोक मिश्रा द्वारा रवाना किया गया। बता दें, ये अभियान 20 फरवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। वहीं इस मौके पर नालंदा एसपी अशोक मिश्रा और सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी के साथ तीनों थाना के जवान मौजूद रहे। सर, हमारा ये है कि जो पुलिस है वो जनता के साथ जुड़े। पुलिस दिवस के अवसर पर हमारे बिहार पुलिस के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जनता से हम लोग जुड़ेंगे, और इस माध्यम से हम लोग कई तरीक़ों से जनता से जुड़ रहे हैं। जैसे उनको पैम्फलेट दे रहे हैं और उनका क्या फीडबैक है वो ले रहे हैं। तो पूरी कोशिश ये है कि इस अभियान के बाद, जनसंपर्क अभियान के बाद, जनता के जो भी इश्यूज़ हैं वो हमें पता चलें और हमसे वो किस तरह से जुड़ सकते हैं ये उन्हें हम अवगत कराएं, यही मकसद है। क्या कितना से कितना दिन तक चलेगा सर? ये एक सप्ताह तक चलेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा से है, जहां मॉर्निंग वॉक में चाय पीने निकले इंडसइंड बैंक मैनेजर लापता हो गए। बता दें, मैनेजर के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें, पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर मोहल्ला ITI का है। करने लगे तो फोन नहीं लग रहा था, इसलिए कल तो हम देखेंगे कहीं से खबर आ जाएगा, मगर नहीं आए तो आज हम सुबह दोपहर में नवादा पहुंचे। अच्छा, क्या जानकारी हुआ आपको? अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं हुआ, थाना में आवेदन दिया गया है। क्या आवेदन दिए? गुमशुदा का। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? अभी तो हमको लगता है कि कहीं कोई अपहरण कर लिया या कहीं चले गए, यही तो लगता है ना। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जंक्शन पर महिला हेल्प डेस्क और साइबर थाना बनाया गया है। यह जंक्शन स्थित GRP थाना में खोला गया है। बता दें, महिला हेल्प डेस्क पर केवल महिलाओं की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनको शिकायत दर्ज कर हेल्प डेस्क की महिला थाना प्रभारी को भेजी जाएगी। इसके बाद वे अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगी।
साइबर थाना खोला जा चुका है और इसके साथ ही महिला डेस्क की भी स्थापना की गई है ताकि महिलाओं को बच्चियों को उनके समस्याओं के निदान के लिए कहीं और जाना भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस पर अनिवार्य रूप से महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि उनकी समस्याओं को संजीदगी के साथ डील किया जा सके और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में रेल पुलिस मुजफ्फरपुर सदैव कार्यरत। बेतिया में प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत बायोफ्यूल्स पेट्रोलियम पंप का उद्घाटन किया गया। बायोफ्यूल्स पंप शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है। इससे लोगों को प्रदूषण का खतरा नहीं रहेगा। पंप के संचालक सह जदयू के वरीय नेता ने बताया कि बायोफ्यूल्स डीजल से और पंपों की अपेक्षा वाहनों की माइलेज 18% अधिक है। ये पर्यावरण संरक्षण संतुलन के साथ ही प्रदूषण फ्री भी है। प्लस 18% जो है उसका पोल्यूशन कंट्रोल जो है, पोल्यूशन फ्री कह लीजिए इसको, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है इसमें और ये स्मूथनेस गाड़ी की चलती है। बायो डीजल से लोगों के बहुत ज़्यादा फायदा है। अदर डीजल से 2 रुपया सस्ता भी है। बायो डीजल है, हम लोग गाड़ी में बड़े दिनों से यूज भी कर रहे हैं और लोगों को हम क्वालिटी और क्वान्टिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ये हमने तय किया है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आए। आप उपभोक्ता लोगों से, ग्राहक लोग से क्या कहेंगे? जी, उपभोक्ता लोगों से कहेंगे कि निडर हो। बिहार की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गौसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।